हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग एडी में आप सबका स्वागत है। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी का ब्रेकअप हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि लगभग 6 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी अब सिंगल है। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है आखिर क्यों बॉलीवुड के इस कपल ने ब्रेकअप का फैसला लिया। एक रिपोर्ट में टाइगर के करीबी दोस्त के हवाले से लिखा है कि उन्हें भी हाल ही में इस बात की जानकारी मिली है। टाइगर के करीबी ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी इस बारे में अपने दोस्तों से चर्चा नहीं की। उनके मुताबिक टाइगर दिशा के साथ ब्रेकअप को नजरअंदाज करते हुए फिलहाल अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि टाइगर और दिशा के अफेयर की खबरें अक्सर मीडिया में जरूर आती रही, लेकिन उन्होंने खुद कभी इस बात की पुष्टि नहीं की। दोनों खुद को एक दूसरे का सबसे अच्छा दोस्त बताते रहे। दूसरी और कपल के फैन और फॉलोअर्स तक ये मानकर चल रहे थे कि उनके बीच काफी कुछ चल रहा था। अगर कयासों पर ध्यान दे तो पाते हैं कि टाइगर दिशा भले ही एक कपल के तौर पर एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन उन्हें हमेशा अच्छे दोस्त बने रहने का फैसला लिया है। दोनों के ब्रेकअप की चर्चा तब से शुरू हुई जब टाइगर के बर्थडे पर दिशा ने शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अपना क्लोज फ्रेंड बताया था। हालांकि अभी तक दोनों की ओर से इस बारे में कई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। टाइगर और दिशा की नजदीकियों की चर्चा काफी लंबे समय से हो रही थी। दोनों को अक्सर हॉलीडे और डिनर आदि पर आउटिंग करते हुए खूब देखा गया। टाइगर और दिशा ने साथ में बागी 2 और बागी 3 में काम किया। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी एक अन्य फिल्म रेबेल 2 भी आ रही है, जिसके निर्देशक अहमद खान हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार सलमान खान के अपोजिट राधे में नजर आई दिशा एक विलेन रिटर्न्स के प्रमोशन में व्यस्त हैं, जो 29 जुलाई को रिलीज हो रही है। उनकी अपकमिंग फिल्मों में योद्धा, कैटरीना और प्रोजेक्ट ए शामिल है। वही टाइगर श्रॉफ पिछली बार हीरोपंती 2 में दिखाई दिए थे और उनकी अपकमिंग फिल्मों में गणपत, स्क्रू ढीला, बड़े मियां छोटे मियां, बागी 4 और रेम्बो शामिल है। ऐसे ही रिसेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।